हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम की असाइनमेंट 2.1। यानी फर्स्ट असाइनमेंट है 2.1 मीनिंग चैप्टर 2 में फर्स्ट असाइनमेंट। तो फर्स्ट असाइनमेंट है वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 2 की, फर्स्ट ईयर फिजिक्स की। और वो असाइनमेंट जो है 2.1, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एन एरोप्लेन इज मूविंग एट 120 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री विद एक्स एक्सिस थ्रू ए 30 मीटर पर सेकेंड क्रॉस वाइंड ब्लोइंग एट एन एंगल ऑफ 260 डिग्री विद एक्स एक्सिस डिटरमाइन द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन। यहाँ पे कह रहा है कि एक एरोप्लेन है और वो 120 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ जा रहा है और वो एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ 10 डिग्री, और एक क्रॉसवाइंड में, क्रॉसवाइंड में ये जहाज जो है चल रहा है। क्रॉसवाइंड मतलब कि क्रॉस जो है वो हवा भी चल रही है। तो ये जो क्रॉसवाइंड है, ये क्रॉसवाइंड है जो हवा है, इसकी स्पीड कितना है? 30 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। और ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ? 260 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब कि ये दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द क्रॉसवाइंड 30 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल बना रहा है 260 डिग्री। एंड दिस इज वी ए, वी ए इज द वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन 120 डिग्री, जो कि 10 डिग्री बना रहा है। और हवा की वाइंड की जो स्पीड है वेलोसिटी, वो वी डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं। वी सा मतलब वेलोसिटी और डब्ल्यू सा मतलब वाइंड। यहाँ पे वी सा मतलब वेलोसिटी और ऐसे मतलब एरोप्लेन। यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप इस वेक्टर को, जो हवा की स्पीड है, जो डायरेक्शन है, अगर आप इस वेक्टर को यहाँ पे ड्रा कर ले, तो ये तकरीबन इस तरह आ रहा है, इस तरह तकरीबन इस तरह। तो मतलब कि ये क्रॉस जो है चल रही है एरोप्लेन की डायरेक्शन के साथ। ओके, तो अब कह रहा है कि इस एरोप्लेन की आप रिजल्टेंट स्पीड, रिजल्टेंट वेलोसिटी को मालूम कर ले कि रिजल्टेंट स्पीड या रिजल्टेंट वेलोसिटी इस एरोप्लेन की कितना है इस क्रॉसवाइंड में। एरोप्लेन की एक्चुअल स्पीड तो 120 मीटर पर सेकंड है, लेकिन इस क्रॉसवाइंड की वजह से इस एरोप्लेन की जो स्पीड है वो 120 नहीं रहती, बल्कि ये इफेक्टेड हो जाता है। और इसकी रिजल्टेंट को अब हम मालूम करते हैं कि रिजल्टेंट कितना बच जाता है, मतलब कि वी आर को हम मालूम करेंगे। वी आर का मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी या रिजल्टेंट स्पीड, किसकी? एरोप्लेन की। इस वी आर को मालूम करने के लिए हम एक टॉपिक जो है यहाँ पे, एक टॉपिक से हम हेल्प लेते हैं, और वो टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। शायद फ्रेश स्टूडेंट ने ये नहीं पढ़ा हो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये असाइनमेंट जो है ये इस टॉपिक से लिया हुआ है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन से। ये असाइनमेंट जो दिया है ये यहाँ पे नहीं देना चाहिए था, बल्कि ये इस टॉपिक के बाद देना चाहिए था। वो स्टूडेंट जिन्होंने ये पढ़ा है वो तो सॉल्व कर सकते हैं असाइनमेंट को, लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये असाइनमेंट इससे पहले दिया हुआ है, तो वो स्टूडेंट इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है वो इस असाइनमेंट को ना छेड़े, बल्कि इस टॉपिक के पढ़ने के बाद ये असाइनमेंट जो है वो खुद बहुत हल कर सकते हैं। इसलिए ये असाइनमेंट इस टॉपिक से पहले दिया हुआ है, हालांकि ये इस टॉपिक के बाद देना चाहिए था। ओके, इसके अलावा इस असाइनमेंट के आंसर को अगर आप देखें तो मेरे बुक में तो 20 मीटर लिखा हुआ है, आपके बुक में क्या लिखा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये 20 मीटर आंसर जो है ये गलत है। एक तो ये कि उन्होंने सिर्फ मीटर लिखा हुआ है, चूंकि यहाँ पे रिजल्टेंट स्पीड हम मालूम करते हैं एरोप्लेन की, और रिजल्टेंट स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पर सिर्फ मीटर लिखा हुआ है, तो मतलब कि एक तो यूनिट की गलती है। और दूसरा ये कि इस असाइनमेंट की जो आंसर आ रहा है ये 113.2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, और यहाँ पे उन्होंने 20 लिखा हुआ है, मतलब 20 मीटर। तो इस तरह मेरे बुक में जो 20 मीटर आंसर है ये गलत है, और अगर आपके बुक में भी यही है तो ये भी गलत है। यहां पे आप लेके 113.2 मीटर पर सेकंड। ये कैसे आ रहा है इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो सॉल्व करने के लिए अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन हम कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट स्पीड है वी आर दिस विल बी इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट दिस इज इक्वल टू रिजल्टेंट स्पीड वी आर। अब वी एक्स जो है ये केस के बराबर है और वी वाई केस के बराबर है। वी एक्स यहां पे ये बराबर है वी ए एक्स और प्लस वी डब्ल्यू एक्स और वी वाई जो है ये बराबर है वी ए वाई और प्लस वी डब्ल्यू वाई। यहां पे अगर आप देखें इन इक्वेशन को वी एक्स बराबर है वी ए एक्स प्लस वी डब्ल्यू एक्स मतलब के दोनों स्पीड की एक्स कंपोनेंट को जमा करके हमें एक्स रिजल्टेंट मिल जाएगा और दोनों वेक्टर की वाई कंपोनेंट वी ए वाई प्लस वी डब्ल्यू वाई एरोप्लेन की वेलोसिटी की वाई कंपोनेंट और वाइंड की वेलोसिटी की वाई कंपोनेंट इनको जमा करके हमें नेट वाई डायरेक्शन में रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो इसको मालूम करने के लिए वी आर को मालूम करने के लिए पहले हम वी एक्स और वी वाई मालूम करेंगे और वी एक्स वी वाई को मालूम करने के लिए पहले हम वी ए एक्स वी डब्ल्यू एक्स वी ए वाई वी डब्ल्यू वाई मालूम करेंगे। मतलब यह है कि इस जो वी ए वेलोसिटी है इसको हम कंपोनेंट में तकसीम करेंगे और इसकी ये वाला कंपोनेंट मिल जाएगा वी ए एक्स और ये वाला कंपोनेंट मिल जाएगा वी ए वाई। ओके इस तरह इस हवा की जो वेलोसिटी है इसकी भी दो कंपोनेंट है एक हमें मिल जाएगा वी डब्ल्यू वाई और ये जो है ये वी डब्ल्यू एक्स हो जाएगा। इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं कि पहले आपने जितने भी वेक्टर है आपने इसको कंपोनेंट में स्प्लिट अप करने हैं और सारे कंपोनेंट की वैल्यू को मालूम करना है फिर एक्स कंपोनेंट को अलग जमा करते हैं और वाई कंपोनेंट को अलग जमा करते हैं फिर ये एक्स डायरेक्शन में रिजल्ट आ जाएगा या वाई डायरेक्शन में रिजल्ट आ जाएगा इनको इन पर स्क्वायर लेने से और जमा करके स्क्वायर रूट लेने से हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। अब वी ए एक्स और वी डब्ल्यू एक्स को पहले मालूम करते हैं। वी ए एक्स वी ए एक्स किस के बराबर हो जाएगा वी ए कॉस ऑफ थीटा और वी डब्ल्यू एक्स किस के बराबर हो जाएगा वी डब्ल्यू कॉस ऑफ थीटा। इस तरह वी ए वाई किस के बराबर हो जाएगा वी ए वाई वी ए साइन ऑफ थीटा वाई को उड़ाने के लिए साइन थीटा एक्स को उड़ाने के लिए कॉस थीटा और वी डब्ल्यू वाई जो है ये किस के बराबर हो जाएगा वी डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा। पहले आपने इस तरह लिखना है। अब यहां पे देखे वी ए कितना है वी ए है हमारे पास 120 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा कितना है मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा है 10 डिग्री तो 120 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई कॉस 10 डिग्री दिस विल बी इक्वल टू ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 118.1 मीटर पर सेकेंड। इस तरह वी डब्ल्यू एक्स ये वी डब्ल्यू कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा वी डब्ल्यू कितना है 30 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई यहां पे मैं दूसरा बोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ थीटा कितना बन रहा है 260 डिग्री तो इससे आ जाएगा थोड़ा सा इसको इस तरह सॉल्व कर ले कि पहले कैलकुलेटर में कॉस 10 डिग्री जो है सॉल्व कर ले उस कॉस 10 डिग्री से जो वैल्यू आ रहा है उसको 120 में ज़रब दे दे। इस तरह यहाँ पे पहले कॉस 260 डिग्री कैलकुलेटर में सॉल्व कर ले और इससे जो वैल्यू आएगा उसको 30 में ज़रब दे दे क्योंकि कॉस 260 से मनफी में वैल्यू आ रहा है माइनस में तो इस तरह 30 में ज़रब देने से ये हमें मिल जाएगा कितना मनफी 5.2 मीटर पर सेकेंड। मतलब के जो हवा की जो वेलोसिटी है उसकी एक्स कंपोनेंट नेगेटिव में है क्यों नेगेटिव है यहां पे देखें ये हवा की वेलोसिटी थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट क्या होता है नेगेटिव वाई कंपोनेंट क्या होता है वो भी नेगेटिव आएगा।
यह मनफी 5.2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे VA कितना है, अगेन 120 मीटर पर सेकेंड, एरोप्लेन की स्पीड 120 मीटर पर सेकेंड है, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे साइन, यहाँ पे कास 10 डिग्री किया था, अब साइन 10 डिग्री कर ले, तो यहाँ साइन 10 डिग्री को कैलकुलेटर में सॉल्व कर ले, 120 मीटर पर सेकेंड में जरब दे दे, तो आपके पास जो VAY है ये आ जाएगा 20.83 मीटर पर सेकेंड। और यहां पे देखे ये VA की X कंपोनेंट 118.1 मीटर पर सेकेंड और VA की Y कंपोनेंट 20.83 मीटर पर सेकेंड, दोनों जो है पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रन में VA आ रहा है, इसलिए दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव रहेंगे। और यहां पे चूंकि थर्ड क्वाड्रन है VW का, तो यहां पे दोनों कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव में है, यहां पे तो हमने VWX तो नेगेटिव आया हुआ है, अब VWY को देखते हैं, तो VWY को मालूम करने के लिए VW कितना है, VW है 30 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई और यहां पे साइन 260 डिग्री हो जाएगा, और इससे आ जाएगा कितना, पहले साइन 260 डिग्री कैलकुलेटर में सॉल्व कर ले, फिर 30 में जरब देने से ये आ जाएगा -39.5 मीटर पर सेकेंड। यहां पे देखे ये भी नेगेटिव में और ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव में, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब हम क्या करते हैं, कंपोनेंट तो हमने मालूम कर लिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम Vx को मालूम करते हैं, तो Vx को कैसे मालूम करेंगे, Vx को मालूम करने के लिए सारे जो X कंपोनेंट है वो जमा करेंगे, तो Vax कितना रहा था, 118.1 मीटर पर सेकेंड, और जमा VWx कितना रहा था, VWx -5.2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह Vx जो है ये बराबर हो जाएगा 100, ये जमा मनफी मनफी हो जाएगा, तो मतलब कि 118.1 मीटर पर सेकेंड से 5.2 मीटर पर सेकेंड को माइनस करके आपको मिल जाएगा कितना, 112.9 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा इसको माइनस कर ले, मैं डायरी लिख रहा हूं। ओके, इस तरह जो VY कंपोनेंट है, VY कंपोनेंट दिस विल बी इक्वल टू, सारे Y कंपोनेंट को हम जो है जमा करते हैं, तो Y कंपोनेंट Y रिजल्टेंट हमें मिल जाएगा, तो VY जो है VAY प्लस VWY के बराबर है। VAY कितना है, VAY है 20.83 मीटर पर सेकेंड, और जमा और मनफी जो VWY है वो कितना है, मनफी 29.5 मीटर पर सेकेंड, जमा मनफी से फिर मनफी आ जाएगा। और इस तरह VY जो है मतलब के Y डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा -8.67 मीटर पर सेकेंड। इसको थोड़ा सा माइनस कर ले, आपको ये मिल जाएगा। अब आपने क्या मालूम किया, अब आपने Vx को भी मालूम किया है और Vy को भी मालूम किया है, अब हम Vr को मालूम करते हैं, तो Vr will be equal to, हमें पता है ये Vx square plus Vy square square root के बराबर है, तो इस तरह Vr this will be equal to Vx square, Vx कितना है, 112.9 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वेयर, और प्लस Vy कितना है, -8.67 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर एंड टू स्क्वायर रूट। तो इस तरह वी आर जो है दिस इज इक्वल टू 112.9 का स्क्वायर लेने से ये हमें मिल जाएगा कितना, 12746.4, और ये मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो -8.67 का स्क्वायर लेने से ये हमें मिल जाएगा 75.1689 मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर, और ये वाला स्क्वायर रूट। तो अब इसको हम जमा करते हैं, तो जमा करने से ये वी आर जो है दिस विल बी इक्वल टू, जमा करने से ये आ जाएगा 12821.5689 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और स्क्वायर रूट।
हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि वी आर जो है दिस इज इक्वल टू 12.8569 स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट को अलग अलग लेके, तो इस तरह ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, वी आर विल बी इक्वल टू 12.8569 स्क्वायर रूट और यहां पे आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब ये 12.8591 जो है मतलब 12.8591.5689 इसकी स्क्वायर रूट लेने से ये वी आर जो है ये हमें मिल जाएगा कितना 113.2 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द रिजल्टेंट स्पीड ऑफ द एरोप्लेन 113.2 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो जहाज है वो तो 120 मीटर पर सेकेंड के साथ जा रहा है लेकिन इस क्रॉसवाइंड की वजह से इसकी रिजल्टेंट स्पीड नेट स्पीड जो है वो कम हुआ है और वो कितना हुआ है 113.2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिजल्टेंट स्पीड ऑफ द एरोप्लेन एंड दिस इज द आंसर ऑफ द असाइनमेंट 2.1। असाइनमेंट 2.2 सॉल्व करते हैं। असाइनमेंट 2.2 क्या कह रहा है इसको देखे, चैप्टर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम में सेकेंड असाइनमेंट है असाइनमेंट 2.2। वो कह रहा है कि ए फोर्स एफ वन विच इज इक्वल टू 20 न्यूटन मेकिंग एन एंगल थीटा 130 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड फोर्स एफ टू विच इज इक्वल टू 30 न्यूटन मेकिंग एन एंगल थीटा 2 दिस इज इक्वल टू 150 डिग्री with positive x axis act at a point calculate the resultant force को calculate कर ले। ये क्या ये कह रहा है कि आपके पास दो forces है, एक F1 फोर्स है जो कि 20 न्यूटन है और वो थीटा 1 बना रहा है, this is theta 1, ये 30 degree, और दूसरा एक फोर्स है जो कि वो F2 है और F2 30 न्यूटन है और वो जो थीटा 2 बना रहा है एंगल 2 थीटा 2 एंगल वो है 150 डिग्री और वो ये एक ये दोनों फोर्सेस एक पॉइंट पर सिमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री पर और दूसरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 150 डिग्री पर। तो इन दोनों की आप क्या कर ले, इस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट वो दे रहा है उस रिजल्टेंट को मालूम कर ले। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर भी हम जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो अप्लाई करते हैं, वेक्टर एडिशन को इस्तेमाल करते हैं, RCM रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन RCM को पैर हम इस्तेमाल करते हैं और ये RCM के बाद दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर के बाद दिया हुआ है, तो बिल्कुल ये सही है। ओके अब यहां पे अगर आप देखें पहले हम इस दो इन दो फोर्सेस को हेड टू टेल रूल के थ्रू जमा करते हैं। कैसे जमा करेंगे, हेड टू टेल रूल क्या कह रहा है कि पहले फर्स्ट वेक्टर अपने डायरेक्शन में ड्रा कर लो, फिर फर्स्ट वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर को अपने ही डायरेक्शन में ड्रा कर लो एंड सो ऑन। तो यहां पे हमारा फर्स्ट वेक्टर F1 है तो F1 को मैंने अपने ही डायरेक्शन में ड्रा किया हुआ है, सेकेंड वेक्टर चूंकि F2 है तो F2 को F1 की हेड के साथ अपने ही डायरेक्शन में ड्रा करूंगा। ये F1 की हेड है और F1 की हेड पर अगर आप फिर से कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाएं XY कोऑर्डिनेट सिस्टम को तो ये 150 डिग्री पे अमल कर रहा है पॉजिटिव X एक्सिस के साथ, तो इस अपनी ही डायरेक्शन में मैंने F2 30 न्यूटन फोर्स को भी ड्रा किया। तो दिस इज दी F1 प्लस दिस इज दी F2, ये वाला जो है ये वाला दिस विल बी दी रिजल्टेंट ऑफ दी टू फोर्सेज, ये दो फोर्सेज की ये इन दो फोर्सेज की रिजल्टेंट है। अब इस रिजल्टेंट को हम मालूम करेंगे, तो एफ आर रिजल्टेंट को हम कैसे मालूम करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू आरसीएम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन जो एफ आर है रिजल्टेंट फोर्स ये विल बी इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर और प्लस एफ वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट, इस तरह हो जाएगा। अब एफ एक्स कितना है और एफ वाई कितना है इसको हम मालूम करते हैं, तो एफ एक्स का मतलब है कि the algebraic sum of all the component of all the x component of all vector यानी f1x plus
एफ टू एक्स, दिस इज एफ एक्स कंपोनेंट। और एफ वाई का मतलब है कि दी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दी वाई कंपोनेंट ऑफ ऑल दी वेक्टर, मतलब एफ वन वाई प्लस एफ टू वाई। एफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स एंड एफ वाई इज इक्वल टू एफ वन वाई प्लस एफ टू वाई। बिल्कुल पहले जैसा है, इसमें कोई जो है डिफ्रेंसिएशन नहीं है, लेकिन सिर्फ वैल्यू चेंज है और स्टेटमेंट जो है वो चेंज है। वहां पे वेलासिटी थे वी वन एक्स वी टू एक्स और यहाँ पे जो है फोर्सेस है, दो फोर्सेस। तो इस एफ एक्स और एफ वाई को हम मालूम करने के लिए, चूंकि एफ आर को मालूम करने के लिए एफ एक्स और एफ वाई की जरूरत है, और एफ एक्स और एफ वाई को मालूम करने के लिए हम एफ वन एक्स एफ टू एक्स एफ वन वाई एफ टू वाई मालूम करेंगे। मतलब कि एक्स कंपोनेंट में जो एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है एफ वन एफ टू की, और वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है एफ वन एफ टू की, उसको हम मालूम करते हैं। यहाँ पे देखे ये एफ वन है, ये एफ वन की एक्स कंपोनेंट है जिसको हम एफ वन एक्स कहते हैं, और इस एफ वन की ये वाई कंपोनेंट है जिसको हम एफ वन वाई कहते हैं। इस तरह ये एफ टू है, एफ टू फोर्स की एक ये एफ टू एक्स कंपोनेंट है जो कि माइनस में है, और इस तरह ये क्या है ये एफ टू वाई है जो कि प्लस में है। मतलब कि एफ टू सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई प्लस है और एक्स जो है वो नेगेटिव में है। तो इस तरह इन कंपोनेंट्स को हम मालूम करते हैं, फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखे एफ वन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ये एफ वन कॉस ऑफ थीटा वन के बराबर हो जाएगा। एफ टू एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ये एफ टू और कॉस ऑफ थीटा टू के बराबर हो जाएगा। इस तरह जो एफ एफ वन वाई है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये एफ वन साइन थीटा वन के बराबर हो जाएगा। और एफ टू वाई किसके बराबर हो जाएगा, ये एफ टू और साइन थीटा टू के बराबर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं यहां से क्या जाएगा, एफ वन, एफ वन कितना है 20 न्यूटन टू 20 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ थीटा वन कितना है 30 डिग्री। ओके, यहाँ पे इस तरह ये वाला क्या हो जाएगा, F2 कितना है 30 न्यूटन और मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ थीटा 2 कितना है, कॉस ऑफ थीटा 2 150 डिग्री, तो ये 150 डिग्री हो जाएगा। इस तरह ये वाला F1 पर कितना है 20 न्यूटन है और साइन ऑफ थीटा 1 कितना है, वही 30 डिग्री है। मतलब यहाँ पे एक्स कंपोनेंट के लिए कॉस 30 डिग्री पुट किया और वाई कंपोनेंट के लिए साइन 30 डिग्री पुट किया। इस तरह ये क्या हो जाएगा, F2 कितना है 30 न्यूटन है मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 150 डिग्री। यहाँ पे भी x कंपोनेंट को मालूम करने के लिए cos अप्लाई किया 150 पर, y कंपोनेंट को मालूम करने के लिए sin अप्लाई किया 150 डिग्री। तो आप क्या कर ले, कैलकुलेटर में आप cos 30 डिग्री को पहले सॉल्व कर ले, उसके साथ 20 न्यूटन से मल्टीप्लाई कर ले, तो आपके पास जो f1x बनता है f1x आ जाएगा 17.3 न्यूटन, दिस इज f1x। f2x किसके बराबर हो जाएगा, cos 150 कैलकुलेटर में सॉल्व कर ले, उसको 30 न्यूटन में जरब दे दे, तो f2x आपके पास आ जाएगा -25.9 न्यूटन। यहाँ पे देखे f2 की x कंपोनेंट नेगेटिव में है, तो यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा -25.9 न्यूटन। ओके, एफ वन वाई किसके बराबर हो जाएगा, एफ वन वाई पहले साइन 30 को सॉल्व करके 20 में जरब दे दे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 न्यूटन। और एफ टू वाई कितना जाएगा, साइन 150 सॉल्व करे और 30 न्यूटन में जरब दे दे, तो ये आ जाएगा 15 न्यूटन। अब हम मालूम करते हैं क्या, अब हम मालूम करते हैं एफ एक्स और एफ वाई। तो एफ एक्स को मालूम करते हैं, तो एफ एक्स जो है ये एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स के बराबर है। एफ वन एक्स कितना है, एफ वन एक्स है 17.3 न्यूटन और प्लस एफ टू एक्स कितना है -25.9 न्यूटन। तो इस तरह एफ एक्स जो है दिस विल बी इक्वल टू, ये प्लस माइनस से माइनस आ जाएगा, तो 17.3 न्यूटन से 25.9 न्यूटन को मनफी करने से ये आ जाएगा हमें -8.6 न्यूटन, दिस इज एफ एक्स। एफ वाई किसके बराबर हो जाएगा, एफ वाई बराबर है एफ वन वाई प्लस एफ टू वाई। एफ वन वाई कितना है, एफ वन वाई है हमारे पास 10 न्यूटन और प्लस एफ टू वाई कितना है 15 न्यूटन, तो ये 15 न्यूटन हो जाएगा टोटल। एफ वाई जो है ये आ जाएगा कितना 25 न्यूटन आ रहा है, 25 न्यूटन।
ओके, दिस इज द एफ वाई कंपोनेंट। अब हम क्या मालूम करते हैं, अब हम मालूम करते हैं एफ आर। तो एफ आर दिस विल बी इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है हमारे पास मनफी 8.6 न्यूटन होल स्क्वायर, और प्लस एफ वाई कितना है, यह है 25 न्यूटन होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो इस तरह एफ आर दिस विल बी इक्वल टू, पहले आप इसका स्क्वायर ले ले, फिर इसका स्क्वायर ले ले, इनको जमा करते हैं और फिर इस पे स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहां पे आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले, इसका स्क्वायर ले ले और इसका भी स्क्वायर ले ले, तो इनको जमा करने से ये मनफी है या प्लस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर इज प्लस। तो यहां पे आपने माइनस नहीं करना, प्लस करना है दोनों को। तो स्क्वायर लेने से स्क्वायर ले ले पहले, और इसके बाद प्लस करने से आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ, इससे जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है कितना, ये आ रहा है 698, मतलब 698.96 न्यूटन स्क्वायर। ये स्क्वायर न्यूटन पे भी आ जाएगा, न्यूटन स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो एफ आर है दिस विल बी इक्वल टू, ये इस तरह हम लिख सकते हैं कि 698.96 स्क्वायर रूट इस पे अलग ले ले, और न्यूटन स्क्वायर और स्क्वायर रूट इस पे अलग ले, ये कैंसिल हो जाएगा। और एफ आर जो है दिस विल बी इक्वल टू 698.96 का स्क्वायर रूट जो है ये हो जाएगा हमारे पास 26.43 आ रहा है, 4.6, ये बुक में 4.6 दिया हुआ है, तो ये लगा ले और ये न्यूटन हो जाएगा। मतलब कि आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स है इस पॉइंट पर, इस ऑरिजन पर, जो इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स है ये कितना आ जाएगा, ये एफ आर जो है 26.46 न्यूटन आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि ये फोर्स एंगल कितना बनाएगा, मतलब किस डायरेक्शन में होगा। तो हम इस एफ की एंगल को मालूम करते हैं, और आपको पता है कि एंगल को मालूम करने के लिए हम टेंजेंट थीटा इस्तेमाल करते हैं, और टेंजेंट थीटा जो है ये परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब आर वाई बाई आर एक्स के बराबर है। और यहां पे जो थीटा है वो बराबर हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स हो जाएगा। और इस तरह थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ आर वाई, जो है वो आपने मालूम किया है ऑलरेडी कितना है, सॉरी यहाँ पे हम R की जगह F पुट करेंगे, R भी पुट कर सकते, लेकिन यहाँ पे हमने F लिया हुआ है, तो यहाँ F हम पुट करेंगे, एफ वाई बाई एफ एक्स। एफ वाई कितना है, एफ वाई है 25 न्यूटन, तो यहाँ पे 25 न्यूटन लगा ले, और डिवाइडेड बाई एफ एक्स जो है ये मनफी 8.6 न्यूटन है। तो यहाँ पे न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएंगे, और 25 को मनफी 8.6 पर डिवाइड करने से जो थीटा है ये बन जाएगा थीटा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 25 को 8.6 पर तकसीम करने से हमें मिल जाएगा मनफी, चूंकि ये मनफी है तो मनफी 2.90 इस तरह हो जाएगा। मनफी 2.90 पर टेंजेंट इनवर्स लेने से ये थीटा जो है ये बन जाएगा कितना, ये थीटा बन जाएगा मनफी 70.89 डिग्री। This is the theta made by the resultant force. ये theta है जो कि resultant force बना रहा है। यहाँ पे देखे ये रिजल्टेंट है एफ आर, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। मतलब मैं यहाँ पे अलग ड्रा करता हूँ, दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यहाँ पे ये जो है ये एफ आर है रिजल्टेंट फोर्स। ये रिजल्टेंट फोर्स कितना एंगल बना रहा है, मनफी 70 डिग्री। यहाँ पे जो मनफी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज द साइन ऑफ नेगेटिव साइन मीन्स, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है दिस मीन्स दैट द एंगल मेड बाई द रिजल्टेंट फोर्स, दिस इज द एंगल मेड बाई द रिजल्टेंट फोर्स विद द नेगेटिव एक्स एक्स। यहां पे जो मनफी साइन आ रहा है इसके मतलब ये नहीं है कि ये थीटा जीरो से कम है, नेगेटिव में है। थीटा जब नेगेटिव आता है तो मतलब कि ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज यहां पे नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है इस तरह। तो ये कितना एंगल है, मनफी 70.89 डिग्री, मनफी 70.89 डिग्री ये एंगल है। लेकिन हम जो एंगल लेते हैं एक वेक्टर की, वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं। बुक में जो है वो एंगल आपको दिया हुआ है आंसर में 109.11 डिग्री, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये गलत है। ये बुक में जो एंगल लेता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में लेता है, और हमसे यहाँ नेगेटिव में आया हुआ है, तो नेगेटिव का मतलब यह है कि ये क्लॉकवाइज एंगल है, पॉजिटिव
पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ लिया हुआ है। अब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हम कैसे जो है वो एंगल को मालूम कर सकते हैं, तो अगर आप देखें यहां से यहां तक एंगल हम मालूम करेंगे, मतलब कि ये वाला एंगल तो -70.89 डिग्री है, लेकिन ये वाला एंगल कितना होगा यहां से यहां तक, ये एंगल हम मालूम करेंगे। तो इस एंगल को मालूम करने के लिए पहले हम ये करते हैं कि टोटल एंगल जो है वो 180 है, तो थीटा विल बी इक्वल टू टोटल एंगल 180 है, और 180 डिग्री से अगर हम 70.89 डिग्री को मनफी कर ले, तो 180 - 70.89 डिग्री इसको मनफी करने से थीटा विल बी इक्वल टू कितना, थीटा विल बी इक्वल टू जो बुक में आंसर लिखा हुआ है बिल्कुल 109.11 डिग्री। दिस इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट फोर्स। यहां पे ये रिजल्टेंट फोर्स है और ये कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्सिस के साथ, 109.11 डिग्री। ओके, दिस इज द असाइनमेंट नंबर 2.2 विद सर फरहाद। ओके, थैंक यू।